देखो गाइस, होंडा इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर कंपनी में से एक है और रिसेंटली इन्होंने काफी सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर मार्केट में लॉन्च की है। नाउ अब ये कंफर्म हो चुका है कि इनकी पॉपुलर होंडा एक्टिवा इलेक्ट्रिक स्कूटर इन ईवी एडिशन लॉन्च की जाएगी एंड ये कंफर्म है कि आने वाले 16 डेज में ये स्कूटर आपको डेफिनेटली भारतीय सड़कों पर भी दौड़ती हुई दिखे। और हाँ, ये स्कूटर आपको काफी हद तक पसंद भी आने वाली है। वेल, अगर हम इस स्कूटर के डिजाइन और डायमेंशन की अगर बात करें तो इसका व्हील बेस 1295 mm का होगा, लेंथ 1890 mm की है, वीट 60 mm की है और हाइट लगभग 1100 mm की होने वाली है। स्कूटर का डिजाइन काफी हद तक मिनिमलिस्टिक एंड स्टाइलिश है। यह स्कूटर 100% LED है। इसका डिजाइन बिल्ड है राइडर को एक कन्वीनियंट एंड कंफर्टेबल राइडिंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड करने के लिए। इसमें आपको अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं। यह स्कूटर आपको 3 नए कलर वेरियंट के साथ ऑफर की जाएगी, इट्स मीन ग्रीन, ब्लू एंड मिडनाइट ग्रे। और फीचर्स की अगर बात करें तो स्कूटर में काफी हद तक यूजफुल एंड मॉडर्न फीचर्स दिखाई देते हैं। इसमें फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन है, साथ ही में फेस आईडी और एलेक्सा वॉइस कमांड भी मिल जाएगा। स्कूटर में 356 बिट डिजिटल इंक्रिप्शन है, मतलब आप ये समझ लो कि एक स्मार्टफोन के सिक्योरिटी सिस्टम को इन्होंने एक स्कूटर में डाल दिया है। सो नो डाउट सेफ्टी के मामले में स्कूटर काफी बेहतरीन है। स्कूटर में आपको मल्टीपल सेंसर्स मिल जाते हैं जिसकी मॉनिटरिंग आप स्कूटर में इनबिल्ड 8.3 इंचेस के बड़े टच स्क्रीन डिस्प्ले के ऊपर कर सकते हो। स्कूटर आपको एंड्रॉइड बेस्ड ओपन सोर्स एंड्रॉइड बेस्ड डिवाइस के साथ रन होते मिलेगी, जिससे स्कूटर में नए काफी सारे रेगुलर अपडेट भी दिखाई देंगे। इसके ब्रेकिंग परफॉर्मेंस की बात करें तो यह है वन ऑफ द बेस्ट है। पावर JBS ब्रेकिंग सिस्टम और मैक्स M627 ट्यूबलेस टायर कॉम्बिनेशन आपको एक सेफ राइडिंग की गारंटी देते हैं। इसके यूरो व्हील स्टेबिलिटी को एनहांस करते हैं। नाउ स्टोरेज की बात की जाए तो 2 बैटरी होने के बावजूद भी स्कूटर में अच्छा खासा बूट स्पेस दिखाई देता है जो कि 35 लीटर्स का है, जिस पर आप इजीली 2 हेलमेट कैरी कर सकते हो। फुटेज काफी बड़ा है जिस पर आप कुछ एक्स्ट्रा सामान भी ले जा सकते हो। नाउ स्कूटर में जो बैटरीज यूज की गई है वो लिथियम आयन है, जिसमें इनकी लाइफ लगभग 7 से 8 सालों की होती है। और अच्छी बात यह है कि इस बार ये स्वाइपिंग फीचर्स के साथ आती है, जिनको आप किसी भी यूनिवर्सल चार्जिंग स्टेशन पर जाके इजिली विद इन 1 मिनट 100% चार्ज बैटरी से स्वाइप कर सकते हो। परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो स्कूटर में 125cc इलेक्ट्रिक इंजन है जो कि 350 किलोमीटर की IDC रेंज क्लेम करता है, बट इन रियल वर्ल्ड में ये रेंज इन सिंगल चार्ज 270 किलोमीटर के आसपास होगी। स्कूटर में स्पेशली डेवलप एडवांस लेवल जनरेशन 4 EV स्कूटर मोटर इनबिल्ड की गई है जो कि 7.2 किलोवाट पर हावर मैक्सिमम पावर जनरेट करती है। इसे स्कूटर का टॉर्क 72 Nm एट दी व्हील होगा, इससे आप एक अंदाजा लगा सकते हो। स्कूटर का एक्सेलरेशन 0-40 विद इन 3.3 सेकंड का ही होगा। इसे स्कूटर की टॉप स्पीड मान के चलो 110 किलोमीटर पर हावर की होने वाली है। एक्टिवा इलेक्ट्रिक स्कूटर 3 नए ड्राइविंग मोड्स के साथ आता है, इट्स मीन वार्म, इको एंड सुपर बूस्ट। सुपर बूस्ट मोड आपको एक ग्रेटर एक्सेलरेशन प्रोवाइड करता है। फाइनली प्राइसिंग की अगर बात की जाए तो फेम टू सब्सिडी के साथ में स्कूटर आपको 84,000 rupees के प्राइस पॉइंट पर लॉन्च होते मिलेगी। तो मेरे ख्याल से इस साल की ये शानदार एंड दमदार इलेक्ट्रिक स्कूटर होगी। पर इस स्कूटर को कंप्लीट करने के लिए मार्केट में और भी कई सारी कंपनियां ना स्कूटर लॉन्च करने वाला है। सो विच आर वन से जानने के लिए नेक्स्ट दुकान इंतजार करो, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से इस स्कूटर को आप प्रीबुक कर सकते हो। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई विल कैच यू इन माय नेक्स्ट वन। तब तक के लिए पीस, बाय बाय।